हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। करप्ट माफिया आवाम का पैसा चोरी करता है लेकिन उनका पेट ही नहीं भरता। नवाज शरीफ ने अब तक नहीं बताया पैसा मुल्क से बाहर कैसे गया। इमरान खान का कोर्ट अद्दू में जलसे से खिताब, कहा वजीर खजाना मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस हैं। नैब ने इसाक डार को मुल्क से बाहर क्यों जाने दिया। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर रिटायर की एहतसाब अदालत में पेशी। नवाज शरीफ ने जमानती मचल के जमा करा दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रेफरेंस यकजा करने के हुक्मनामे या तफसीली फैसले तक समाप्त मुलतवी की जाए। ख्वाजा हारिस की इस्तदा, जज मोहम्मद बशीर ने इस्तदा मंजूर करते हुए समाप्त 7 नवंबर तक मुलतवी कर दी। एक नहीं, दो नहीं, पूरी 26 गाड़ियां नवाज शरीफ की शाहाना काफले के हमरा एहतसाब अदालत आमद और वापसी। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के बाहर लीगी रहनुमाओं के नारे। पंजाब हाउस में लीगी रहनुमाओं से मुशावरत। साबिक वजीर आजम इजलास के बाद लाहौर चले गए। नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी के खिलाफ महाज खोल लिया। कहा जरदारी किसी को खुश करने के लिए मुझे गालियां दे रहे हैं। माजी में एनआरओ भी परवेज मुशर्रफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान था। हमारे टकराव की बातें करने वाले इनकी बातें नहीं कर रहे जो हमसे टकरा रहे हैं। नवाज शरीफ वो दिन याद रखे जब जरदारी के साथ मुलाकात से इनकार किया था। मियां साहब बताएं किसको खुश करने के लिए ऐसा किया था। खुर्शीद शाह का रद्द अमल, एहतजाज एहसन कहते हैं लगता नहीं इस बार नवाज शरीफ और जरदारी में राबता होगा। ये पैगाम दे रहा हूँ कि 2018 इलेक्शन में इंशाल्लाह ताला शेर दाड़ेगा भी और वाजिद ज़िया के 10 वॉल्यूम को फाड़ेगा भी। 2018 के इंतखाबात में शेर धाड़ेगा, इंतखाबात में शेर पैनामा जीआईटी के वॉल्यूम 10 भी फाड़ेगा। कैप्टन सफदर रिटायर्ड का एहतसाब अदालत आमद पर जारहाना अंदाज। अदालत के बाहर लीगी सपोर्टर्स की सेल्फियां और नारेबाजी, कैप्टन सफदर परेशान। इमरान खान के जलसे तीसरे धरने की तैयारी लगते हैं। धरना 3 जमहूरी तसलसल को रोकने का जरिया बन सकता है। वजीर दाखिला एहसन इकबाल की तनकीद, कहा पीपल्स पार्टी मर्दम शुमारी के तहत नशिस्तों की तकसीम के मुआहदे से फिर गई। क्या पीपल्स पार्टी 2018 के इंतखाबात में ताखीर चाहती है। बेनजीर कत्ल केस में मफरूर करार दिए जाने पर साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की जायदाद करकी का अमल शुरू। FIA ने साबिक सदर की जायदाद की तफसीलात तलब कर ली। अदालती हुक्म पर मुतालिका हुक्काम और इदारों को खतूत लिख दिए। पाजोर एजेंसी की तहसील अतमान खेल में मिट्टी का तोदा गिरने से 7 अफराद जहां बहुत 2 जख्मी। मरने वालों में 6 बच्चे शामिल। लिवीज एहलकार इमदादी कामों में मशरूफ। सिंध हाई कोर्ट में बम की अफवाह। बम हिफाजती अमले ने अदालत में तलाशी मुकम्मल कर ली, इमारत को क्लियर करार दे दिया। लंदन में टैक्सों पर पाकिस्तान से मुतालिक इश्तेहारात लगने पर बरतानवी हाई कमिश्नर को दफ्तर खारजा में तलब कर लिया गया और सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ ने पाकिस्तान का एहतजाज बरतानवी हाई कमिश्नर के हवाले किया। लेडी रेडिंग अस्पताल में खातून डॉक्टर को हरासा करने का मामला। माहिर अमराज कल्ब डॉक्टर लुबना नूर ने इस्तीफा दे दिया, कहती हैं काम नहीं करने दिया जा रहा, तरक्की रोक दी गई है। पंजाब में
पंजाब हुकूमत का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कायम 10 कंपनियां बंद करने का फैसला। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलने वाली 56 कंपनियों में 80 अरब रुपए से ज्यादा की करप्शन का केस चल रहा है। लोरालाई में फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान के स्काउट्स की 61वीं पासिंग आउट परेड, जवानों ने बेहतरीन नज्मो जब्त का मुजाहिरा किया।